हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई द स्वाद। और आज मैं बनाना सिखाऊंगी क्रिस्पी मसाला डोसा, नारियल की चटनी एंड ऑथेंटिक सांभर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, ताकि आप भी अपने अपनों के पेट से दिल तक पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं सांभर से। सांभर के लिए मैंने लिया है एक बैंगन, एक लौकी, एक टमाटर और एक प्याज, जिसको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। एक कटोरी तुवर दाल ली हुई है, इसको सभी सब्जियों के साथ मैंने कुकर में डाल दिया है। इसमें हम एक चम्मच हल्दी और नमक डालकर चार पांच सीटी ले लेंगे। सीटी लेने के बाद हमारा सांभर कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। इसको हमें क्या करना है, अभी एक चम्मच से हमें इसको मिक्स करना है, ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं और दाल है वो अलग अलग ना दिखे जैसे अभी दिख रही है। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है एक मिनट तक। मिक्स करने के बाद हम सांभर को साइड रख देंगे और करेंगे तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने एक पैन में तेल गर्म कर लिया है। तड़के के लिए लिया है मैंने लहसुन की चार पांच कलियां, कड़ी पत्ता और एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर और दो खड़ी लाल मिर्च, जो कि तड़के में बहुत ही अच्छी लगती है सूखी हुई। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम एक चम्मच राई डाल देंगे। राई जब तड़कने लगेगी बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं तेल में, इसको अच्छे से हमें पकाना है राई को, जब तक ये तड़कने ना लगे। जब राई पक जाएगी तब हमें इसमें ऐड करना है कड़ी पत्ता। सबसे पहले हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, और लहसुन के बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। सभी चीज़ों को अच्छे से ऐड करके हम मिक्स कर देंगे और गैस को हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे, और हमें इसको पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक। जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर में टर्न हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको गैस को मीडियम फ्लेम में रखकर इसको पकाना है। इससे सांभर बहुत टेस्टी बनता है। अब देखिए इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। दो लाल मिर्च को बीच से तोड़कर डालना है, जिससे कि तेल में उचके ना मिर्च, और हमें इसे पकाते रहना है गोल्डन ब्राउन होने तक। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनता है घर में, एकदम ऑथेंटिक सांभर का टेस्ट आता है इसमें। देखिए हमारा प्याज टर्न हो गया है गोल्डन ब्राउन कलर में। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो कि हमने कट करके रखा था। टमाटर को हम ऐड करके इसमें मिक्स कर देंगे और हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और थोड़ा पकाने के बाद हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। इसको हमें चलाते रहना है, और जब हमारा टमाटर थोड़ा सा पक जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने आधा मिनट तक रखा है। इसमें हमने हल्दी ऐड की आधा चम्मच, क्योंकि मैंने सांभर में पहले से डाली थी। एक चम्मच लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है, और इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सांभर में ऑलरेडी नमक था। दो चम्मच हम इसमें सांभर मसाला ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। सांभर मैंने एवरेस्ट का सांभर मसाला यूज़ किया है। सांभर मसाला ऐड करने के बाद इसको हम चलाएंगे अच्छे से। मिक्स होने के बाद अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगी, जो है लाल कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च ऐड करने से इसका कलर एकदम खिल के आता है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप भी ट्राई कीजिए, कश्मीरी मिर्च का डालने के बाद कलर बहुत खिल के आता है। देखिए हमारा तड़का एकदम तैयार है। अब हम इसको मिक्स करेंगे सांभर में। ये देखिए आप, हमारी सांभर जो हमने साइड में रख दी थी उसमें हम तड़के को ट्रांसफ़र करेंगे। धीरे धीरे करके तड़के को हम इसमें ट्रांसफर करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना सांभर कितना टेस्टी दिख रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ तो देखिए सांभर बोलते हैं डोसे में मेन होता है सांभर का टेस्ट, तो सांभर बहुत अच्छा बनना चाहिए, जो कि हमारा बन के तैयार है। अब हम तैयारी करते हैं मसाले की। मसाले डोसे के लिए मैंने लिया हुआ है चार बड़े आलू, आलू को बॉईल कर लिया था, उड़द की दाल ली थी, गार्लिक और कुछ कड़ी पत्ता। तेल को गर्म करने के बाद एक चम्मच राई डालेंगे। राई जब जैसे ही गर्म हो जाएगी पहले की तरह, अच्छे से तड़कने लगेगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन को ऐड करने के बाद इसमें हम उड़द दाल, जो मैंने आपको बताया है कि मसाले में बहुत अच्छी लगती है ये, उड़द दाल को हम ऐड करेंगे। उड़द दाल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, और इसको हम ब्राउन कलर में टर्न होने तक पकाएंगे। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे आधा चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड करने के बाद नमक टेस्ट के हिसाब से आपको जितना अच्छा लगता हो। चार आलू के हिसाब से मैंने इसमें लगभग 1 स्पून नमक ऐड किया है, ठीक है आप देख सकते हैं।
अब हम इसमें अपने आलू को मिक्स कर देंगे। आलू को अच्छे से मैश करना है मसाले में, जिससे कि उसमें कोई भी टुकड़ा ना रहे, जिससे हम दूसरे में जब स्प्रेड करें तो वो टूटे ना या फटे ना। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से मैश कर रहे हैं। तो ये कलर कितना प्यारा है मसाले का, बहुत टेस्टी लगता है। घर पे बनाने डोसा बनाने का बात ही अलग है, बहुत टेस्टी लगता है, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा लगता है घर पे। और इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे टू टेस्ट। देखिए हमारा आलू मसाला बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे सबसे स्पेशल हमारी चटनी। चटनी के लिए मूंगफली दानों को मैंने रोस्ट कर लिया है और हमने इसमें डाला है कच्चा नारियल। नारियल जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आप घर में फोड़ के भी नारियल को यूज़ कर सकते हैं। नारियल के बाद हमने इसमें ऐड की गई हैं 4-5 लहसुन की कलियाँ। लहसुन के बाद मैंने इसमें ऐड की है 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद मैंने इसमें डाला है कोरिएंडर, धनिया, हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे, जितना आपको लेना हो अपने हिसाब से। मैंने इसमें 3 चम्मच दही डाला है। दही के बाद इसमें मैं मिक्स कर दूंगी जो रोस्ट मूंगफली थी, अपने हिसाब से उसमें पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अब जो निकल के आई है हमारी चटनी, देखिए कलर कितना प्यारा इसका कलर आया है। इसको बॉल में ट्रांसफ़र करके इसमें हम तड़का लगाएंगे, वही राई और कड़ी पत्ते से। कड़ी पत्ते को डालने के बाद क्रिस्पी होने तक इसको हमें पकाना है और फिर इस तड़के को हम चटनी में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे, देखिए राई को देखिए आप कैसी पागल सी हो रही है तड़की, कितना प्यारा लगता है ये कड़ी पत्ता राई का कॉम्बिनेशन चटनी के साथ। हा हा हा, एकदम ऐसा लग रहा है अभी मैं इसको टेस्ट कर लूँ। देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक चटनी बन गई है। अब हम बनाएंगे डोसा। डोसे के लिए मैंने अपने तवे को एकदम गर्म कर लिया है। तेज़ गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और उसको सुखा लेंगे। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। मैंने इसमें इस तरह से बैटर को 2 चम्मच बैटर इस पर डाला है और फिर इसे क्लॉकवाइज स्प्रेड कर दिया है। देखिए बिल्कुल इस तरह से, इसी तरह से आप डोसे को स्प्रेड कर देंगे पूरे तवे पे। और अब हमें अपना गैस का फ्लेम कर देना है हाई, हाई फ्लेम कर देना है हमें और इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। जब डोसा पक जाता है तो कॉर्नर अपने आप छोड़ने लगता है। अब हम इसमें स्प्रेड कर देंगे मसाला। देखिए मसाला कलर, देखिए आप मसाले का कितना अच्छा कलर आया है एकदम खिल के। ये है कश्मीरी लाल मिर्च का कमाल। हाँ तो देखिए आप डोसे में हम आलू का मसाला स्प्रेड कर रहे हैं। ये हमारा डोसा एकदम क्रिस्पी कुरकुरा मसाला डोसा बनके तैयार है। और मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी, आप अपना बताइए, ट्राई कीजिए। 15 मिनट्स में बनाइए क्रिस्पी मसाला डोसा। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए सर्व करने के बाद देखिए कितना ऑथेंटिक डोसा, एकदम टेस्टी क्रिस्पी मसाला डोसा विद ऑथेंटिक चटनी और सांभर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।